नाउन्स। बेसिकली मैं बात करूं तो नाउन से क्लास स्टार्ट है, और नाउन पढ़ने से पहले मुझे यह जानना होगा कि नाउन पढ़ क्यों रहे हैं, नाउन पढ़ने का फायदा क्या है, नाउन का यूज क्या है, और नाउन है क्या चीज। यानी कि अंग्रेजी जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाउन से, बट नाउन पढ़ने से पहले हम लोगों को एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा कि उसमें क्या रोल है नाउन का। तो अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश में मात्र तीन पार्ट होते हैं बेटा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स। अंग्रेजी में यही तीन पार्ट होता है, चाहे हिंदू का बड़ा लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्रा पढ़ो, अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ो, तुम मैगजीन नॉवल कुछ भी पढ़ो, सब में तुमको मिलेगा सब्जेक्ट, सब में मिलेगा वर्ब, सब मिलेगा अदर वर्ड्स। तो आप नाउन के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। वर्ब तो पता है भाई, चलो वर्ब है, ईट गो लाफ वर्ब है, ये अदर वर्ड क्या करता है, क्या रोल है इसका। तो ध्यान देना नाउन एक बड़ा चैप्टर है, क्योंकि सबसे पहले ये जानो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, यानी व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी नाउन का जन्म कैसे हुआ वो बता रहा हूं आपको। यानी कि बेटा हम लोग को पढ़ना होगा जो टाइटल बनेगा बेसिक से, वो ये बनेगा व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए एसेंशियल थिंग्स क्या है, महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए बच्चे आपके पास होना चाहिए नाउन। पहला कैसे निकला, यानी नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं बाबू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए। अब सब्जेक्ट क्या है वो तो आने वाले क्लास में आएगा, जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पे नाउन में आपको बेसिक जानकारी मिलेगा। और टेंस वाइज पढ़ाऊंगा तो सब्जेक्ट क्या ये पढ़ाऊंगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए वो जानेंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, और नाउन नहीं हो तो क्या चाहिए, यानी नाउन और प्रोनाउन का काम क्या है। अगर नाउन प्रोनाउन से कॉमन एरर पूछेगा तो कहां पूछेगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, भर थोड़ी गलती होगा नाउन प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चंस 10-15 पूछे जाते हैं, तो नाउन हो प्रोनाउन हो, अगर नाउन प्रोनाउन कोई नहीं हो तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। अब यहां ध्यान देना बच्चे कि नाउन हो प्रोनाउन हो, नाउन इक्विवेलेंट मतलब घर में अगर कोई सेंटेंस हो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो सेंटेंस में मेन जो मालिक होगा कौन होगा, नाउन होगा। यानी नाउन क्या बनेगा, अगर नाउन नहीं हो तो कौन बनेगा, अगर नाउन प्रोनाउन दोनों एब्सेंट हो तो कौन बनेगा, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, नाउन के समान। जैसे कभी कभी आप घर चले जाते हो, आपके दादाजी घर में जीवित हैं तो मालिक बनते हैं, दादाजी नहीं है तो पापा बनते हैं मालिक, पापा बाजार गए हैं, कोई व्यक्ति आता है मिलने के लिए तो आप भी बाहर निकलते हो, हाँ जी बोलो मैं हूं ना, तो तुम्हारे पापा से कहा अरे मैं हूं बोलो, मतलब आप कहना चाहते हो कि उनके बाद तो मैं ही हूं। तो नाउन नहीं है आप, नाउन के समान। अब नाउन के समान होने के लिए मान लो तुम तीन चार भाई हो, जिसका जिसका एक का नाम है जेरन, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कहते हैं बेटा V1 प्लस ING को, उसका नाम होता है जेरन, यानी जेरेंड भी काम क्या कर जाता है, सब्जेक्ट या जेरेंड। दूसरा इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स काम कर पहचान क्या है, 2+1, यह भी काम कर जाता है किसका, यानी कि मैं आपको सिखा रहा हूं अंग्रेजी, कहीं भी आज के बाद तुम्हें V1 प्लस ING सब्जेक्ट के स्थान पे हो, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज नेसेसरी, सिगरेट पीते होंगे, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या लिखा होता है ING, क्या कहते हैं उसे हम, जेरेम, नाम क्या होगा, सब्जेक्ट या है वो नाउन, नाउन के समान है। दूसरा कहा टू वॉक, अब कहीं भी टू लगा होता है, आई गो टू वॉक, तो आई गो है फिर टू वॉक लगा दिया तो टू वॉक क्या हो गया, इन्फिनिटिव, क्योंकि एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब संभव
नहीं है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो सकता है, और अगला वर्ड या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब संभव नहीं है। किसने कहा? आई गो वॉक। अब गो भी वर्ब, वॉक भी वर्ब, यह भी वर्ब है, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? पहले गलती समझने प्रयास करो बेटा कि तुम पढ़ क्या रहे हो। हमने क्या बताया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यही से तुम एरर फाइंड करना शुरू कर दो। हमने कहा आई गो वॉक, यहाँ पे टू क्यों लगाए हुए हैं? क्यों लगाऊं टू? तो टू मैं नहीं लगा रहा, यहाँ पे मुझे गो है वर्ब, और वर्ब पर मुझे क्या चाहिए? अदर वर्ब चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस में दो वर्ब संभव नहीं है, हमको चाहिए अदर वर्ब, और अदर वर्ब होने के लिए क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए? क्या चाहिए नाउन इक्विवेलेंट? जेरंड चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए, या फिर और आगे लिखा तो क्या चाहिए? तो आई गो वॉक गलत क्यों हुआ? क्योंकि आई गो टू वॉक करना पड़ेगा। क्यों टू लिखूं जी? क्योंकि टू लगाने से क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया, अदर वर्ब बन गया, समझा? टू लगा के हमने जोड़ा नहीं, लोग कहेगा टू को जोड़ दिया, जोड़ा कहां? अरे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा कुछ अंग्रेजी में होता ही नहीं होता, बताओ मुझे यार, ये वर्ब कहां रहा? ये वर्ब नहीं रहा, इसका क्या नाम हो गया? अदर वर्ड, मतलब या तो ऑब्जेक्ट हो गया, या तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, सुना रहा? गलती क्यों हो रहा है? सो इस प्रकार अंग्रेजी को डिफाइन करना है, ये नहीं कुछ भी लिख दिया सर ने, लिख दिया सर ने, कुछ नहीं लिखा, आपको समझने की आवश्यकता है, ये बात समझाया? ठीक है, तो हमने कहा कि टू प्लस वी वन, इसका नाम क्या होगा? इन क्या काम करता है? इन कैसा है जी? नाउन के समान, नाउन नहीं है, नाउन के, क्योंकि अंग्रेजी में तीन चीज, सब्जेक्ट वर्ब, समझा ना? सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड ओ डब्ल्यू, अब जेरेंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, तीसरा वर्ड होता है बेटा क्लाउज, क्लाउज को तो पूरा क्लास ही लूंगा, फ्रेज भी हो जाता है इसमें, ये सब चीज पढ़ाया जाएगा आप, ठीक है? तो ये टोटल पार्ट, अब आपका दिमाग खुला कि अच्छा अंग्रेजी में सब्जेक्ट ही एक टोटल पार्ट है और वर्ब होता है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, जो बच गया सब अदर वर्ड है, और जितना पार्ट में लिखाया या तो यहां होगा या फिर दिक्कत यहां तक। तो अब हम लोग पहला, इसमें से पहला पार्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को, यानी हम लोग अभी सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा चीज है, सब्जेक्ट तो इतना बड़ा चीज है, जब पूरा चीज पढ़ लेंगे हम लोग, फिर आपको पढ़ाऊंगा जब टेंस, फिर पढ़ाऊंगा बेटा सब्जेक्ट होता क्या है। अभी अगर पढ़ाता हूं सब्जेक्ट क्या होता है तो अधूरा ज्ञान होगा, क्योंकि अभी आप ज्ञान ही नहीं, तो अभी क्या पढ़ना है? नाउन, यानी नाउन सब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट, क्लियर? हेडी बनाइए नाउन, क्योंकि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना इस तरह से है कि कुछ भी क्वेश्चन हो, लॉजिक पता हो, आंसर निकाल भी दिया, ये नहीं पता कहां से आया, मन में डाउट लगा है कि सही लगाया गलत लगाया, है ना, उस डाउट को क्लियर करना है। आगे बढ़िए, सबसे पहला कंसेप्ट है नाउन, नाउन की बात करें तो बचपन से ही नाउन का ज्ञान मिल रहा हम लोगों को, बचपन जब बच्चे थे तभी पढ़ाता नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, हम लोग थोड़ा सा काम तेजी से निकालेंगे, लेकिन ना समझ में आया क्लास को हाथ उठाना है, कोई दिक्कत हो पूछना है, मेरे क्लास में हो जब तक ना समझ में आए हाथ उठा दो, यहां दिक्कत हो तो क्लास में देखा तो यहां पूछ लो, ज्यादा दिक्कत हो फोन करके सैटरडे दिन आ जाओ, लेकिन क्लियर करना बेहद जरूरी है, मैं कोशिश करता हूं क्लास में क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता हो मेरा नोट तो इसके क्लास के बाद ऑफिस में जाना, उसको बोलना कि बोलने जरूरत है थोड़े, कुछ मत बोलो किसी से। देखो नाउन का एक किताब ले लेना, इसमें जितना चीज पढ़ा रहा हूं सब इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें हजारों क्वेश्चन है जो पढ़ाता हूं सब इसमें किया हुआ है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, दो तीन दिन में आ जाएगा कॉमन एरर्स, जिसमें सारे चैप्टर्स बने होंगे, दो से तीन दिन के अंदर आ जाएगा, घबराओ नहीं, जो चाहिए मैं सब दूंगा, बस तुम लोग एक ही काम है घर पढ़ना है, ठीक है, जो वही नहीं होता है। अब देखिए नाउन की बात मैं करूं, बच्चे सबसे पहले ये जानो कि नाउन क्या चीज, नाउन होता है, नाउन है कौन, तो पहले चीज जानो इस दुनिया में जहां आप हो ऐसा कोई चीज नहीं जो नाउन ना हो, हर चीज नाउन, आप जो देख रहे हो सब नाउन,
जो सोच रहे हो वो भी नाउन, जो कर रहे हो वो भी नाउन, जो फील कर रहे हो वो भी नाउन, हर चीज नाउन। तो नाउन को अगर मैं कहें तो नाउन का मतलब होता है नेम। नेम का मतलब क्या? एनी नेम इज अ नाउन। अगर कोई चीज आपको लगता है कि तो मुझे बता दो। अब नाउन की एनी नेम की बात करें, इसका मतलब कह सकते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी द वर्ड वह सब जो आधारित है नाम पर, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, वह सब जो नाम पर ही आधारित, यानी नाम है तो नाम है, नाम नहीं तो नाम नहीं। क्लियर समझ आया बात? अब कुछ भी लिखते हैं नाम भाई, हमारे दिमाग में आ गया ईयर, भाई नाम तो है देख तो नहीं पा रहे, दिमाग में आ गया लाइट, भाई लाइट नामकरण किया है, देखें चाहे ना छुए चाहे ना छुए, हमें दिमाग में आया हीट, हमें दिमाग में आया राम, हमें दिमाग में आया कुछ भी, राम हो यहाँ पे, पेन दिमाग में आया, हमें दिमाग में आया टेबल, दिमाग में आया पटना, दिल्ली। अब बोलो बताओ ये सारे सारे नाउन है कि नहीं? अब नाउन सब है, लेकिन ये सारे नाउन में वेराइटीज हैं, एक जाति का नहीं है, जाति बदल गया। हमें दिमाग में आया डॉग, ये सब नाउन है लेकिन नाउन की जाति बदल गया। अब जाति के आधार पर उसका नामकरण करना पड़ेगा। जिस प्रकार भाई यहां सब मिल के देखा जाए तो सब बोलो एक ही मानव है कि नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति का पहचान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोला जाए तो सब बॉय है जी, गर्ल है, मानव है, मानव में लड़का लड़की सब आ गया, लेकिन सबको तुम खड़ा करो तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि सबका बनावट अलग अलग है। हर व्यक्ति को तुम पहचान लोगे, इतनी जनसंख्या है, विदेशी भी फिर भी अलग अलग है। उसी प्रकार जितने भी मानव हैं तो हर किसी का एक नाम है, एक पहचान है, और उसमें भी एक पर्सनल जाति भी तो है, नहीं है जी? जिस गांव घर से बिलोंग करते हो तो वहां 50 तरह की जातियां हैं। उसी प्रकार ये जितने नाउन है इसकी एक पर्टिकुलर जाति है, क्योंकि इंडिया में पैदा हुआ है तो उसकी एक जाति होगी, तो जाति को डिफाइन करना पड़ेगा ना। अब जाति कैसे? तो हर आराम समझो गौर से, जो भी दुनिया मिटा दो ना, लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हो ना? चले बहुत सुंदर, शुरू हो गया, क्लास स्टार्ट, डेमो थोड़े है। अब सुनो गौर से, अब मैं कुछ बात समझा रहा हूं पहले। तो आज तो मेन क्लास हम लोग का इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, कोई भी दुनिया में आया है, जैसे मान लो एक गोट है, जब ये दुनिया में कोई चीज आता है बेटा तो सिंगल आता है, चाहे मानव हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कहाँ आता है वो? सिंगल आता है। जब सिंगल आता है, सिंगल आते ही उसका एक समाज बन जाता है। कोई भी चीज ले लो, टेबल को ले लो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसका क्या बन जाता है? एक जाति, एक समाज बन जाता है, बनता ही नहीं बोलो। तो मान लो गोट आया एक और वो सिंगल आया है, राइट? एक गोट है मान लो, गोट आ गया जी। अब गोट आया अकेला, लेकिन ये बहुत सारे झुंड में हो गया, क्लियर? तो गोट अकेला आया, इसकी बन गई एक जाति, और दुनिया का हर एक नाम जिसकी एक जाति हो वो सारा नाम कॉमन नाम होता है। कौन सा नाम बेटा? अब हर एक नाम चाहे लिविंग हो चाहे, अब बोलो पेन कौन सा नाम हुआ? एक संक्षेप में और देख लो, जातिवादी छोड़ो, जिसको तुम देखते हो ना, जिसको तुम देखते हो ना, कॉमन सी बात, वो सारे नाम कॉमन ही होते हैं। अब बोलो मुझे देख रहे हो, कॉमन नाम, टेबल देख रहे हो, कॉमन नाम, पेन, बिल्डिंग, बोर्ड, बॉय, गर्ल, काउ, एलिफेंट, हॉर्स, रखने की जरूरत है नहीं। अब बताओ इस सारे जितने भी नाउन है गोट, यानी गोट जो अकेला था ये तुम्हारा कॉमन नाउन था। अभी मैं फैक्चुअल नहीं कंसेप्चुअल दे रहा हूं, फिर एरर्स कहां से वो बात नहीं पढ़ पाऊंगा। तो गोट तुम्हारा कॉमन नाउन। अब गोट जो है भीड़ में रहता है, अब जो भीड़ में रहता है तो भीड़ के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए, भीड़ के लिए अलग अलग शब्द, जैसे मान लो भीड़ है,
भीड़ का मतलब झुंड, क्योंकि कोई व्यक्ति जो जाति में आया वो अकेले नहीं रहता, उसके ग्रुप होती है, यानी कि भीड़ के लिए बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे वर्ड है तुम्हारा बी ई वी वाई, जैसे वर्ड है ग्रुप, जैसे वर्ड है गैलेक्सी, जैसे वर्ड है टीम, जैसे वर्ड तुम्हारा है भीड़ के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं फ्लॉक फ्लॉक, तो ये बहुत सारे वर्ड है और भी सब तुमको लिखा मिलेगा इस बुक में, ठीक है। तो सब भीड़ का जो है वर्ड होता है। अब तुम्हें बोलना लड़की, तो गर्ल तुम्हारा जो है गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन, लेकिन तुम्हें बोलना है कि लड़कियों का झुंड, तो झुंड बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो झुंड तुम बोलो ना भाई। तो लड़कियों का झुंड के लिए बोलना पड़ा बेबी ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियां ढेर सारी गर्ल्स हो गया, तो लड़कियों के झुंड को नाम क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब तुम्हारा वर्ड है स्वाम, ये भी झुंडी है, तो इस वर्ड को तुम्हें याद करना पड़ेगा कि मच्छर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जानवरों एक छोटे चीजों के झुंड को स्वाम कहते हैं। सीपीओ का पेपर देखो जो पहाड़ है वो मिला कि नहीं मिला, स्वाम ऑफ मॉस्किटोज, स्वाम ऑफ बीज, यानी छोटे स्वाम ऑफ इंसेक्ट्स, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों क्या बोलते हैं हम लोग, स्वाम। बस मेरे हो, ये नहीं कि सबको बोलते ग्रुप ऑफ मॉस्किटोज, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, तो गलती हुआ कि नहीं बोलो। लड़कियों के झुंड को बोल दिया ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग, तो गलती हुआ कि नहीं बोलो, बोलना था बेबी ऑफ गर्ल्स, बोल दिया ग्रुप ऑफ गर्ल्स, है ना। फ्लॉक किसका, गोट के झुंड को क्या कहते हैं, फ्लॉक, यानी फ्लॉक ऑफ गोट्स होगा बेटा, यही पढ़ा नहीं रहा हूं सिखा रहा हूं तुम्हें, अभी सिर्फ माइंड में रिमाइंड करो, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, सब लिखवा दूंगा, घबराओ नहीं, लिखो मत, सिर्फ समझो यहां पे, अभी राइटिंग नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ सुना रहा हूं। तो इसको क्या क्या हमने, गोट कहा था जी, भीड़ में आ गया, तो भीड़ को हमने क्या कहा, कलेक्टिव, यानी नाउन, जितने भी नाउन होते हैं सारे नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से बनाया हमने क्या, कलेक्टिव में किसी का जन्म नहीं हुआ था, जन्म हुआ था कॉमन में, एक कोट आया था, लेकिन उसी कोट को हमने भीड़ बना दिया और बना दिया कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन मैन मेड हो गया भाई, कोट तो एक ही था ना, हमने ने कहा भीड़ में है जी, अब उस कोट को हमने उठा कर लाया घर, एक कोट को, अब घर में एक ही कोट है, अब उसको नाम रख दिया हमने टोनू, टोनू मोनू सोनू जो नाम रखो, जैकी टाइगर जो ना है, तो बकरी, अब उस बकरा बकरी को हमने नाम रख दिया टोनू, दो चार दस दिन पचास दिन रखा, अब वो बकरा समझ लगा कि मैं टोनू, तो बकरा क्या, कुत्ते को तुम घर लाओ तो कुत्ता क्या होता है, कॉमन नाउन, तो कुत्ता कुत्ता नहीं होता, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब कुत्ते को तुम घर पे लाओ, उसका नाम रख दो टॉमी, अब तुम कुछ दिन बाद एक दो चार पांच महीने बाद कुत्ते को बोलो कुत्ते इधर आ, कुत्ता आएगा नहीं आएगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा टॉमी इधर आ, तो अब कुत्ता समझ गया कि कुत्ता नहीं है, अब वो टॉमी है, अब वो कॉमन नाउन नहीं रहा, अब उस भीड़ में से हट के अकेला भी घर में आ गया, तो यही कोट अकेला आ गया, तो इसका नाम तुमने रखा टॉमी, तो टॉमी बोलो कौन सा नंबर बता, यानी कि टॉमी भी जन्म नहीं लिया था, जन्म लिया था कॉमन नाउन, यानी टॉमी मैन मेड है कि नहीं बोलो, इसे रट्टा नहीं मारना, यानी कि जो नाउन भीड़ से अलग कर दिया जाए, ये टेबल तुम्हारा कॉमन नाउन है, लेकिन मुझे चाहिए नील कमल का टेबल, ये पेन तुम्हारा कॉमन नाउन है, लेकिन मुझे चाहिए रिनॉल्ड्स का पेन, रिनॉल्ड्स का पेन बोलो खास हुआ कि नहीं, तो प्रॉपर हुआ कि नहीं, पहले मैं तुम्हारे दिमाग से भ्रम मिटा रखने क्रम से खत्म कर रहा हूं, एरर तो बात की बात, तो टॉमी बोलो कौन सा नाउन है, तो कुत्ता ही, लेकिन यहां पे कुत्ता नहीं रहा अभी, अरे क्या है टॉमी, अबे खास कुत्ता बन गया है ना जी, अबे बकरा बकरा नहीं रहा, अरे बकरा बन गया टोनू टॉमी, ले बेटा, तो तीन नाउन समझ में आया, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन, इसको कहेंगे प्रॉपर खास, प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, एरर कैसे होगा, बात की बात, वापस आइए। अब बकरा का कटने का समय आ गया,
भाई बकरा घर में रखा था तो बकरीद आएगा ना, अब बकरीद आया बकरा कट गया, अब बकरा कट गया तो बकरा बकरा नहीं रहा, अब बकरा ऐसा हो गया तो क्या बन गया, मटन बन गया, क्या बन गया मटन। अब मटन वर्ड जो था, अब तुम दुकानदार से कहो जाकर चार बकरा देना, देगा क्या भाई साहब क्या चाहिए, तो मटन बोलना पड़ेगा तुम्हें, चार किलो मटन, दो किलो मटन, 250 ग्राम मटन, 100 ग्राम मटन, यानी अब तुमको मटन चाहिए बकरा नहीं चाहिए। ये जो मटन वर्ड है, क्या तुमने इसे गिन करके लिया कि तौल करके लिया कि माप कर लिया, तौल माप लिया जी, ये अभी बोलो मैन मेड हुआ कि नहीं हुआ, लगभग ने बनाया ही एक तरह देखा जाए तो। यानी मटन भी, तो जितनी भी खाने पीने उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं वो सब के सब कहते हैं मेटेरियल की तरह, माल मेटेरियल, यानी इसको कहें क्या हम मेटेरियल नाउन। पहले ओरली समझो, सब लिखवा दूंगा एरर के साथ, तो बोलो हो गया मेटेरियल नाउन वापस। अब मटन को तुम घर पे लाए, कड़ाह में डाले, एवरेस्ट का गरम मसाला डाला, अब उसमें से स्मेल आया अच्छा चाहे बुरा, खाते हो तो अच्छा नहीं खाए तो बुरा, अब जो स्मेल नाक में गया बड़ा बड़ा टेस्टी बनता है, तो वो जो स्मेल वर्ड था, स्मेल यानी जो स्मेल वर्ड था तुम्हारा, क्या उसको दिखा पाओगे स्मेल, तो स्मेल को देख सकते हो, छू सकते हो नहीं ना, लेकिन तुमने क्या कहा बड़ा अच्छा स्मेल, यानी अच्छा तुमको फील हो गया, क्या यार बुरा स्मेल, अभी तुम स्टेयर से आओगे तो गंदगी फैली मिलेगी ना रास्ते में जी, या हमने गेट लगवा दिया कल से नहीं होगा वो, सफाई भी करवाऊंगा, तो आप बताओ कि जो गंदगी फैली स्मेल होता है ना बैड स्मेल, तो स्मेल वर्ड तो फील करिए नाक ने, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गंदगी देख सकते हैं, तो गंदगी देख सकते हैं, स्मेल कहाँ है ना, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या कहते हैं स्मेल को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल, नाइदर बी सीन नॉर बी टच, जैसे लाइट न देख सकते न छू सकते हैं, लेकिन फील कर रहे हैं कि लाइट है, अगर देखते तुमको भी दिखा, देखो फिर छू सकते हैं उसको, लेकिन इस लाइट को ना तुम देख सकते हैं ना तो छू सकते, तुमको लग रहा हो सर देख तो रहे हैं लाइट, लेकिन तुम देख रहे हो, क्या तुम दिखा सकते हो कि देखिए सर ये तो लाइट है, संभव खुद कर, जैसे हवा, बच्चे को समझ में आया तक, आप रेडी बनाओ ना बिठाओ इसको, बस एक ट्रैक पर लाकर छोड़ दूंगा, घबराओ नहीं, अभी तो हमने बस इन्फॉर्मेशन दिया है, आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया है कि नाउन है क्या चीज, वापस आइए, तो हम लोग नाउन इतना आपको समझाया, तो नाउन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं इतना समझने के बाद, कि भाई एक ऐसा हम कर दें कि नाउन को कितना भी पढ़ें दो भाग में बांट सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला वह नाउन जो काउंटेबल नाउन है और एक वह नाउन जो अनकाउंटेबल हो, जो नाउन तुम्हारा काउंटेबल है वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो सकता है, बोलो प्रॉपर नाउन काउंटेबल है कि नहीं, बोलो कॉमन नाउन काउंटेबल है कि नहीं, और मेटेरियल भी काउंटेबल होगा जी, यानी ये तीन नाउन तुम्हारा काउंटेबल है, ठीक है, और अनकाउंटेबल क्या है, तो तुम्हारा मेटेरियल दिया कलेक्टिव ना, और मेटेरियल नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल, ठीक है, मेटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल। अब अभी एक एक कर डिटेल चलेंगे हम लोग, लेकिन ओवरऑल नॉलेज अगर लें तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इन दोनों के साथ तुम आज से आर्टिकल का प्रयोग करना, आर्टिकल इज यूज प्रॉपर नाउन के साथ 90%
आर्टिकल नहीं लगाना, नो आर्टिकल 90%, मेटेरियल ऑफ स्टैक के साथ 90% नो आर्टिकल कॉमन यूज के लिए, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी, मान लो आज से कहीं पढ़ रहे हो तुम्हें दिमाग काम करे, तो मेटेरियल नाउन और स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 90% तुमने आर्टिकल मत लगाना, 10% कहां लेगा वो क्लास का पार्ट है, मेरा दिमाग है। प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल तुम मत लगाना, 10% कहां लेगा तुम छोड़ो, मैं बताऊंगा। बस इन दोनों के साथ आंख बंद करके आर्टिकल कहीं वो लगा देना, डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर भी डिटेल पढ़ाऊंगा, आज के तो पढ़ा नहीं रहा अभी, तो यहां तक बेटा समझ में आया बात। अब बस कुछ मत करो, बस खाली प्रॉपर नाउन लिख दो और डैश दे दो, प्रॉपर नाउन लिख डैश दो, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। कल से आपका बिल्कुल फ्रेश काम शुरू हो जाएगा।